तो दोस्तों मैं अभी प्ले स्टोर में हूँ। यहाँ पे हमें एलेक्सा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको यहीं से ओपन कर दूँगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐप ओपन हो रहा है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, सोनी के HDRD3 से आप अपने इको डॉट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सोनी या कोई भी होम थिएटर है आपके पास, उससे आप बड़ी आसानी से अपने इको डॉट को यहाँ कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे पास सोनी का HDRD3 है, इसी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा इको डॉट को। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। नया नया चैनल है फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाता हूँ, चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ऐप लीजिए। ओपन हो चुका है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है बॉलीवुड टॉप 40 इन सॉन्ग, लेकिन फ्रेंड्स हमें अभी गाने नहीं सुनने हैं, यहाँ पे हमें मैनेज इको डॉट करना है। तो मैनेज इको डॉट पे एक बार क्लिक करना है, और यहाँ फ्रेंड्स देखिए लिखा है ब्लूटूथ कनेक्शन, और यहाँ ऐड है अलार्म। तो यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट ए डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये सर्च कर रहा है ब्लूटूथ डिवाइस को, तो यहाँ सर्च करके ये दिखा रहा है HDRD3, यानी कि हमारा सोनी का HDRD3 यहाँ पे आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये थोड़ा सा सर्च करेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ आ गया है HDRD3 कनेक्टेड। अगर मैं अब इको डॉट को अपने कोई कमांड दूंगा, तो ये मेरे सोनी के HDRD3 में प्ले हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक कमांड देता हूँ और सोनी के HDRD3 में ये बोलेगा, एलेक्सा प्ले सॉन्ग। एलेक्सा वॉल्यूम अप। एलेक्सा वॉल्यूम अप। एलेक्सा वॉल्यूम मोर अप। और दोस्तों यहां पे आपको सोनी के HDRD3 की आवाज आ गई होगी। स्टॉप एलेक्सा, स्टॉप सॉन्ग। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टॉप हो गया है। और यहाँ आपने आवाज़ को सुना होगा, ये सोनी के HDRD3 में वायरलेस ही कनेक्ट हो गया था। तो इको डॉट को आप भी ऐसे करके सोनी के HDRD3 से कनेक्ट कर सकते हैं और सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेज़ोन का जो फायर स्टिक टीवी होता है, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे अपने इको डॉट को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।